आलू के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बेसन, पानी आवश्यकता अनुसार, तेल पकौड़ियाँ तलने के लिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार, चाट मसाला स्वादानुसार, थोड़ी सी अजवाइन, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 15 से 20 सौंफ के दाने, 4 मीडियम साइज के आलू के चिप्स इस तरह से कटे हुए। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में 2 टीस्पून तेल डालेंगे, इससे ये एकदम क्रिस्पी बनते हैं। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ के दाने, थोड़ी सी अजवाइन, हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पकौड़ियों का घोल तैयार करेंगे। ध्यान रहे पानी एक साथ नहीं डालना है, अदरवाइज इसमें लम्स पड़ जाएंगे। देखिए बेसन के घोल की कंसिस्टेंसी हम इस तरह से रख देंगे। आलू के चिप्स जो हमने कट करके रखे हैं उन्हें पानी से धोकर एक कपड़े से सुखा लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे। तेल अच्छी तरह से गरम करके फ्लेम लो कर देंगे। अब आलू के स्लाइसेस को घोल में एक एक करके डालकर इस तरह से कढ़ाई में तलने के लिए डालेंगे। फ्लेम लो ही रखेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में पलटते जाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट में ये ब्राउन होने लगेंगे। अच्छी तरह से सिकने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस पर चाट मसाला डालकर हरी चटनी और टमेटो सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे।